नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो सैनी स्कूल रेवा का है, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। ओके, तो जो नया दोस्त हमारा चैनल में आया, प्लीज़ लाइक करके हम लोगों को इनक्रेज करिएगा। इन फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा अच्छा भी इन्फॉर्मेशन दे सके। ओके, ये सैनी स्कूल रेवा का एमपी के है रिक्रूटमेंट, और ये है सैनी स्कूल रेवा इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल। ये देख लीजिएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल का एक है, और पीजीटी इंग्लिश रेगुलर वन एंड टीजीटी हिंदी रेगुलर वन। एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, आप लोगों को फॉलोइंग डिटेल्स है क्या? सैनी स्कूल रेवा इज इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पी जी टी इंग्लिश एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वन, टी जी इंग्लिश रेगुलर वन एंड टी जी टी हिंदी वन। अच्छा, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पी जी टी इंग्लिश वन, ये कॉन्ट्रेक्चुअल, और टी जी टी इंग्लिश रेगुलर वन, और टी जी टी हिंदी रेगुलर वन। और नेचर ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर रेगुलर। अब उसके बाद ये जो पी जी टी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्ट, एम ए इंग्लिश और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और सेकेंड है बी एड ऑन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और रेगुलर में जो है टी जी टी बैचलर ऑफ डिग्री इन इंग्लिश विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 3 ईयर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड 50% मार्क इन ग्रेजुएट, बैचलर ऑफ डिग्री इन हिंदी इन एटलीस्ट 50% मार्क इन 3 ईयर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एंड 50% मार्क इन एग्रीगेट बी एड एंड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पास इन द सेंट्रल टीचर्स एबिलिटी टेस्ट सी टी ई टी कंडक्टेड बाई सी बी एस ई अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फ्रॉम ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया। और बाकी इनको 3 ईयर्स इंग्लिश डिस्क्रिप्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 3 ईयर्स इंग्लिश 3 ईयर्स इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस इन क्लास 11-12 एट सी बी एस ई एप्लीकेटेड स्कूल, और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेबल, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट गेम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल स्कूल इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन टीचर इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट गेम एंड एक्स्ट्रा। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल में अनरिजर्व है, और ये ओबीसी एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट, एज क्राइटेरिया 21, सभी देखिएगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल में 21 से 40, और बाकी 21 से 35 35, बाकी कुछ छूट दिया गया, देख लीजिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करके वेबसाइट में देख लीजिएगा, पेमेंट इसका पे बयान भी मेंशन किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और इसके वो भी आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। उसके रिटर्न में कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन 1 आवर एडुकेशन 1 आवर ड्यूरेशन में 100 मार्क्स 50% होना कर, क्लास डेमोस्ट्रेशन 100 मार्क्स 30%, इंटरव्यू 100 मार्क्स 15%, ये सब। अच्छा, हाउ टू अप्लाई और
एप्लीकेशन फ़ीस देखिएगा आप लोग, ये जाएगा ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर पॉइंट एप्लीकेशन फ़ी, ये 500 रुपया पे करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को देख लीजिएगा क्यों ना, ये एक सीट है उसी हिसाब से, एक एक सीट टोटल तीन सीट है, उसी हिसाब से आप लोग सोच समझ के भरेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31 दिसंबर 2021, देखिएगा इसी महीने 31 दिसंबर है लास्ट डेट है। द स्कूल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एंड नो क्लेम विल बी एंटर्ड अ चल। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश इन स्कूल वेबसाइट, फर्स्ट डेट वेबसाइट में दिया जाएगा। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रीजन विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, अच्छा द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन इज राइट टू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। ओके नोट, अच्छा विजिट द स्कूल वेबसाइट टू गेट फर्दर डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म। और ये आप लोगों को विजिट करते एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को इसमें अवेलेबल है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, उसके बाद फॉर्म द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस हेयर बाय बैकवर्ड क्लास अप्लाई फॉर पोस्ट बैकवर्ड क्लास अप्लाई फॉर, इसका फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म द डिक्लेरेशन ऑफ समझे ओबीसी कैंडिडेट एडिशनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसमें फॉर्म दिया गया, इसमें आप लोग फिलअप करके प्रोसेस करिएगा। ओके उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके जिस ओके प्यारा सा एक लाइक देके हम लोगों को एनकरेज करिएगा, इन फ्यूचर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन ले आते रहेंगे। ओके दोस्तों फिर मिलेंगे, जय हिंद।